बिल्कुल आपको बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन कश्मीर का किंग कौन बनेगा ये सबसे बड़ा सवाल, और नजरें इस पर ही रहने वाली है हमारी। एक एक जानकारी आपको देंगे कि किस सीट से कौन आगे चल रहा है। काफी बड़े चेहरे आपको बता दें कि उतरे थे ग्राउंड पर, लेकिन आपने यहाँ पर ये भी देखा कि बड़े बड़े दावे सबकी तरफ से किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अभी आप फिलहाल देखेंगे कि 0-0 आंकड़ा है, क्योंकि 8 बजे से देखिए वो जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 12 बजे तक पिक्चर क्लियर कह सकते हैं कि क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी देख रही है आप, वो भी है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी उतरी अपने अपने मुद्दों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है, और ये भी आपको बता दें कि पीडीपी भी ग्राउंड पर उतरी थी। और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर में आज वोटों की गिनती होगी। 8 बजे मतगणना जो शुरू हो जाएगी, सबसे पहले मतपत्र खोले जाएंगे, उसके आधे घंटे बाद ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही देर में मतों की गिनती शुरू होने वाली है, और जिसका जिक्र बार बार हम वैभव कर रहे थे कि इस बार जम्मू कश्मीर में देखिए 10 साल बाद जो है वो चुनाव हो रहे हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जाए कहना था कि 370 हटा है, अमन चैन शांति आई है। वही हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस पार्टी, अपने अपने दावे इस बार कर रहे थे। बिल्कुल महीना, आपसे बस थोड़ी देर बाद यानी कि 8 बजे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। जम्मू कश्मीर का किंग कौन होगा, किसके सर पर सत्ता का ताज सजेगा, इसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि घाटी में इस बार कौन मुख्यमंत्री होगा इस पर पूरे देश की नजरें हैं। एक और बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हर मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी से निगरानी होगी। पोस्टल बैलेट की सुबह 7:30 बजे से गिनती शुरू होगी और ईवीएम की गिनती सुबह 8 बजते ही शुरू होगी। सुरक्षा बहुत अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसी ताकतें हैं जो ये चाहती नहीं है घाटी विकास की तरफ समानांतर आगे बढ़े, घाटी में विकास हो। वो ताकतें चुनावों में तमाम तरह के दखल डालने की कोशिश भी करती आई हैं। ऐसे में मतगणना में किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। सुबह 8 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। हर मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए जाएंगे। पोस्टल बैलेट की सुबह 7:30 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर और अहम जानकारी अपने दर्शकों को बता दे, सुबह 8 बजे का वो वक्त होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर मतगणना की शुरुआत होगी। उसके पहले पोस्टल बैलेट जो है वो गिने जाएंगे, किसके दावों में कितना दम और जनता ने किस पर विश्वास जताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव हुए हैं। 3 चरणों में चुनाव, तमाम तरह की चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने, और अब आज मतगणना। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रिपब्लिक भारती एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएगा। ग्राउंड पर हमारे सभी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई, सिमरन हमारे साथ जुड़े, पुनीता हमारे साथ जुड़ी हुई, कोमल हमारे साथ जुड़े हुए, और सुमित भी इस वक्त, माफ कीजिएगा, लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले आपको घाटी ले चलते हैं जहां पर प्रगति इस वक्त है। प्रगति, आप ये बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं क्या रहने वाली है, ये भी बताइए। बिल्कुल महिमा, जब घाटी की बात होती है तो सुरक्षा की बात सबसे पहले आ जाती है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, SKICC कन्वेंशन सेंटर है जिसके बाहर हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बजे से क्योंकि मतगणना की शुरुआत हो जाएगी तो अब टीम का पहुँचना शुरू हो गया है, और उसके बाद EVM की गिनती शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया गया है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में देखिए 47 सीटें कश्मीर में है, इसके अलावा 43 सीटें जम्मू में है, और बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, दावा है कि इस बार गुरेज सीट हो गई, ऐसी कई सीटें हैं जिस पे बीजेपी का खाता खुल सकता है। जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे, अगर वही एग्जैक्ट नतीजे होते हैं तो बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर 16 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है। वो तो मतगणना के बाद धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा। रिपब्लिक भारत पर हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिएगा, यहां पर सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। प्रगति, तस्वीरें, तैयारी की आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। अब अपने सहयोगी गुरसिमरन के पास हम चलना चाहेंगे। गुरसिमरन, आप तो
जम्मू कश्मीर की उस तासीर को समझते हैं कि अगर यहां पर कोई राजनीतिक बड़ा उलटफेर होता है तो वो कितना महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। तैयारियां क्या है मतगणना को लेकर और इस तासीर के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए इस वक्त हम जो है गांधीनगर में मौजूद हैं। यहाँ बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा पे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विक्रम रंधावा, भाजपा ने इकलौते जो जाटफेस हैं उन्हें टिकट दिया है, वो यहाँ बाहू से मैदान में हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि समय जो है तकरीबन अब 1 घंटा और 50 मिनट का रहेगा। देखिए उम्मीद तो पूरी है लेकिन मैं यकीन कह सकता हूँ कि हमारा कोई भी कार्य रहता है हम गुरु घर का आशीर्वाद लेके करते हैं और आज प्रातःकाल ही मैंने गुरुद्वारा साहब से माथा टेका, आशीर्वाद लिया है। जब चुनावी अभियान में भी गए थे तब भी गुरु घर का आशीर्वाद लेके गए थे और मुझे यकीन है कि मेरा बाहू विधानसभा क्षेत्र जो मेरी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी कर्म भूमि है, यहाँ के हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिला है और आशीर्वाद को हम वोट में बदलने में। पार्टी के परफॉर्मेंस कार्य है, कितनी सीटें क्रॉस कर रही है पार्टी? देखिए पार्टी ने क्लियरली कहा था कि हम राष्ट्रवादी ताकतें यहाँ मजबूत करेंगे, पहली राष्ट्रवादी सरकार जम्मू कश्मीर में होगी और मुझे लगता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। तो शाम तक माना जाएगी फिर बाकी विधायकों को भी फोन जाएंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे? देखिए वो केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का फैसला है कि उन्होंने क्या मापदंड बनाने हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेगी। बाकी राजनीतिक दल जिनको कि आप पूरे चुनाव अभियान में कोसते रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, वो कहाँ रहे? देखिए उनका अपना वजूद है और वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो खुद इंट्रोस्पेक्शन करके देख लें। जम्मू कश्मीर को तबाही के रास्ते पर लाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है, तो डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है और आज वो मिलने जा रही है। तो ये थे विक्रम रंधावा हमारे साथ। अब जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिपेक्ष की बात करें तो भाजपा की तरफ से किस तरह से तैयारी की गई है वो समझने की जरूरत है। जी किशन रेड्डी और राम माधव की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई थी जिसको लेकर अमित शाह ने एक बैठक भी की थी। इस रिपोर्ट की और आप दिन भर एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाएंगे भी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन पुनीता अंबाला से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुनीता अंबाला में अनिल विज का नाम खूब आपने देखा, जिस दिन मतदान किया था लोगों ने उस दिन भी वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन हालांकि आज की अगर बात करें सबसे पहले आप ये जानकारी दीजिए कि अंबाला में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां की गई है। बिल्कुल महिमा, देखिए प्रशासन की तैयारियां वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अनिल विज की बात होती है तो अंबाला कैंट का देखिए जिक्र इसलिए भी होता है क्योंकि 6 बार से वो यहां पर विधायक रहे हैं और गढ़ माना जाता है अंबाला कैंट। लेकिन अगर बात करें इस बार की चुनाव की, लेकिन इस बार की जो चुनाव है उसकी जो फिजा है अंबाला कैंट की, खास तौर पर बात करें यहाँ की जो फिजा है वो बदली इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे मुकाबला एक तरफा नजर नहीं आ रहा है बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर टक्कर देखिए हर प्रत्याशी जो है वो अनिल विज को देते हुए नजर आ रहे हैं। जीत किसकी होगी थोड़ी देर में इसका पता चल पाएगा, लेकिन आपको बता दें कि अंबाला कैंट में एक उनका रुतबा रहा है, अनिल विज का रुतबा रहा है और 6 दफा वो यहाँ से चुनाव जीत कर आ चुके हैं। निर्दलीय 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी से आज 4थी बार वो चुनावी मैदान में हैं। हालांकि एक बार 2005 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और यानी कि पिछले चुनाव की बात करें तो एक तरफा जीत उन्हें मिली थी, 64,000 से ज्यादा वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार क्या उतनी आसान रहा रहेगी अनिल विज के लिए, सबसे बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि हर बिल्कुल आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। काजल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। काजल, हरियाणा के अंदर अगर एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो यह तय है कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री तक चुनना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हुड्डा साहब भी ये साफ कह चुके हैं कि वो भी रिटायर नहीं हुई है राजनीति से। काजल काजल मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, लोमस के पास हम चलना चाहेंगे, काजल आपके पास लौटेंगे। लोमस, हरियाणा के अंदर अगर एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो मुख्यमंत्री को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो खींचतान कांग्रेस के खेमे में देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लोमस बिल्कुल वैभव, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत खास दिन है और आज
रिजल्ट का दिन है। आपने देखा कि एग्जिट पोल किस तरीके से क्या निष्कर्ष दिखाते हैं, क्या रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन आज जो निर्णय होगा, जो निष्कर्ष निकल के आएंगे और जो रिजल्ट निकल के आएंगे, वो हरियाणा की जनता को इंतजार है। आपने देखा कि 90 सीटों को लेकर के मतगणना अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी और लगभग पहला जो पहला पोलिंग बूथ से जो मतगणना केंद्र से रिजल्ट निकल के आएगा वो लगभग 9 बजे के करीब निकल के आएगा और देखने वाली बात होगी। आपने ये भी देखा कि जो मतगणना केंद्र से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो लोगों को इंतजार रहेगा। हालांकि अभी सुबह का समय है और आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि सुरक्षा काफी अहम है। और आपने ये भी देखा कि जब मतगणना हुआ था तब भी सुरक्षा के इंतजाम थे और मतगणना केंद्र के बाहर भी अभी भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत।